नगर के बाजार बजरिया में राजेश भाटिया की किराने की थोक व फुटकर की दुकान है। बताया जा रहा है कि राजेश भाटिया तूफान स्वामी रोजमर्रा की तरह वे अपनी दुकान रात लगभग 9 बजे बंद करके अपने घर को चले गए थे। रात में लगभग 2 बजे किसी ने राहगीर ने फोन करके बताया कि आपकी दुकान में भयंकर आग लगी हुई है। आनन फानन में दुकान स्वामी रजनीश भाटिया जब रात के समय दुकान पर पहुंचे तो देखा दुकान में पूरी तरह से आग लग चुकी थी। दुकान स्वामी राकेश भाटिया ने तुरंत दम पर विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की दो गाड़ियों ने बड़ी मुश्किल से दुकान में लगी आग पर काबू पाया। तब तक दुकान में रखा सामान पूरी तरह से जल चुका था। सुबह होने पर तहसीलदार चांदपुर सुनील कुमार ने मौके पर जाकर दुकान में रखे सामान के नुकसान का जायजा लिया। क्या नाम है आपका? रजनीश भाटिया। कैसे कैसे घटना हुई है आपकी दुकान में? ये रात 2:30 बजे करीब। किस कारण हुआ है ये? बिजली का शॉर्ट सर्किट लगने से आग लग गया आपकी दुकान में। उसमें लगभग कितना नुकसान हुआ तुम्हारा? 5 लाख रुपए। लगभग 5 लाख रुपए का आपका नुकसान हुआ है? नुकसान हुआ रजनीश भाटिया जी का, इसमें प्रशासनिक क्या मदद होगी? रजनीश भाटिया जी का रात में आग लगने से नुकसान हुआ है, इसको हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से उसकी मदद हो सकती है। मुख्यमंत्री विवेका जी ने कोशिश या और अन्य कोई मदद जिससे उनकी मदद हो सकती की जाएगी। उनके नुकसान इनका काफ़ी करीब 5 लाख का सामान का क्षति हुआ है, जिसको दिखवाया जा रहा है, जो भी नियम कानून में अनुमन होगा उसको दिलवाएंगे। फिर शासनिक लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।